बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, विपक्ष के नेता होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान आया है, कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा में। ये बयान केसी वेणुगोपाल ने दिया है, इसका मतलब ये माना जाना चाहिए जब केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं तो यानी जो वो कह रहे हैं वो कांग्रेस का फैसला है, राहुल गांधी का फैसला है। राहुल गांधी लोकसभा में रायबरेली से अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तो राहुल गांधी मान गए इस बात को? लेकिन निश्चित रूप से लोकसभा में अब मोदी बनाम राहुल की जो बात लगातार विपक्ष करता रहा वो साकार होता आपको दिखेगा। आज इंडिया गठबंधन की बैठक थी, कांग्रेस की कार्य समिति ने तो पहले ही प्रस्ताव पास कर दिया था कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनना चाहिए, उन्होंने समय मांगा था। लेकिन आज इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। तमाम पार्टी के नेताओं ने उनसे अपील की कि उनको नेता विपक्ष का पद संभालना चाहिए और राहुल गांधी तैयार हो गए। तो अब यह तय है कि लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे और हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का वो जवाब देंगे और तमाम मुद्दों पर राय रखेंगे। काफी दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी, आखिरकार राहुल गांधी ने ये पद स्वीकार करने की घोषणा कर दी और उसी इस बाबत मीडिया को जानकारी वेणुगोपाल ने दी। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, अब इसके बाद और क्या होगा? देखिए, बड़ी बात तो है कि कल स्पीकर का चुनाव है और कांग्रेस ये कह रही है कि अगर उपाध्यक्ष का पद देने को तैयार हो जाए तो निर्विरोध निर्वाचित करने में मदद करेंगे उनकी। लेकिन राहुल गांधी का नेता विपक्ष संभालना पद, ये बड़ी बात इसलिए भी है किशोर की, आप भी जानते हैं राहुल गांधी पद लेने से हिचकिचाते रहे हैं और पूरा जोर ये था कि चूंकि 99 सीटें कांग्रेस जीती है तो आपको एक नेता के तौर पर संसद के बाहर ही नहीं है, संसद के अंदर भी तमाम जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं उस पर, तमाम जो मुद्दे होते हैं उस पर, कमेटीज की जो बात होती है वहां पर, जो चयन होते हैं CBI चीफ से लेकर के विजिलेंस चीफ तक के, उन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ आपको बैठना होता है। और बड़ी बात ये होती है कि सदन के अंदर आमना सामना होता है सीधे दो जो सत्ता पक्ष के सबसे बड़े नेता है और विपक्ष के नेता के तौर पर। तो राहुल गांधी के इस कदम से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर भावी प्रधानमंत्री जो कांग्रेस उनको बताती है उसकी तरफ ये पहला कदम आप कह सकते हैं किशोर इसको। शुक्रिया अरुण आपका।